नमस्कार, दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष दीक्षित। मैं मुसलमान हूं इसलिए मंत्री पद से मुझे हटा दिया गया, ब्रिटानी सांसद नुसरत गनी ने यह आरोप लगाया है। ब्रिटेन की सांसद नुसरत गनी ने अपने आरोपों से देश की राजनीति में पूरा भूचाल ला दिया। दरअसल नुसरत गनी ने कहा है कि 2020 में उन्हें मंत्री पद से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम हैं। गनी ने दावा किया है कि सरकारी विहिप ने उन्हें बर्खास्त करने के लिए उनके धर्म को कारण बताया। संडे टाइम्स के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद नुसरत गनी कहती हैं कि जब उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि उनका मुस्लिम होना एक मुद्दा था। वहीं कंजर्वेटिव चीफ विहिप मार्क स्पेंसर ने गनी के आरोपों को पूरी तरह गलत और अपमानजनक बताया है। कैबिनेट मंत्री नदीम जवाही ने कहा है कि गनी के आरोपों की अलग से जांच होनी चाहिए। गनी को साल 2018 में परिवहन विभाग में एक पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार में हुए छोटे से फेरबदल के बाद उनसे यह पद ले लिया गया। संडे टाइम्स के मुताबिक गनी कहती हैं कि जब उन्होंने सरकारी विहिप या सचेतक से उनके पद वापस लिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने बताया कि फेरबदल के बारे में चर्चा के दौरान मेरे मुस्लिम होने को एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था और उनका मुस्लिम होना कई सहयोगियों को असहज कर रहा था। वेल्डन में सांसद गनी ने यह बताया, उन्होंने यह मामला उस समय इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था कि अगर वह लगातार इस बारे में सवाल करती रहेंगी तो उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है और उनका करियर और प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। शनिवार रात मार्क स्पेंसर ने यह स्वीकार किया कि वे वही विहिप हैं जिनके बारे में गनी दावा कर रही हैं। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री नदीम जवाही ने ट्वीट करके यह कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में इस्लामोफोबिया या किसी प्रकार के नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। जवाही ने यह भी कहा कि आरोपों की ठीक से जांच कराई जानी चाहिए और नस्लवाद को खत्म किया जाए। गौरतलब है कि गनी से पहले वरिष्ठ कंजर्वेटिव बैकबेंचर सांसद विलियम रैग ने भी आरोप लगाया था कि उन सांसदों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है जो बोरिस जॉनसन को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। ब्रितानी संसद में बैकबेंचर उन्हें कहा जाता है जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं होता। रैग ने कहा कि वे अगले हफ्ते ही सांसद में एक मेड पुलिस डिटेक्टिव से बात करने वाले हैं। हेजल ग्रोव से सांसद रैग ने कहा कि वह कोई भी जांच डाउनिंग स्ट्रीट के बजाय विशेषज्ञों से करवाना पसंद करेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि उन्हें सांसद की तरफ से लगाए गए किसी भी आरोप के सबूत नहीं मिले हैं। बीते हफ्ते एक प्रवक्ता ने कहा कि वे आरोपों की जांच नहीं कर रहे, लेकिन उनके सामने पेश किए गए किसी भी सबूत को ध्यान से देखा जाएगा। कॉमन्स कमेटी ऑन स्टैंडर्ड के अध्यक्ष क्रिस ब्रायंट ने कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लगभग एक दर्जन कंजर्वेटिव सांसदों से बात की थी। उन्होंने ठीक वैसे ही दावे किए थे जैसे रैग ने किए हैं। इन सांसदों ने आरोप लगाया है कि विहिप ने उन्हें भी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाली फंडिंग वापस लेने की धमकी दी थी, जिसमें चुनाव प्रचार और बुनियादी ढांचे के लिए दिया जाने वाला धन भी शामिल था। इन सब में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सांसद रैग के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें द ऑटरिंग के साथ।